हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल मैं हूं आपकी फ़्रेंड वर्षा आज की इस वीडियो में यहां पर हम बात करेंगे यू पी के कॉमर्स के थ्योरी क्लासेस की हम इसमें कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके टॉपिक को कवर कर सकें तो एक या दो क्लास में हम सारी थ्योरीज को कवर कर लेंगे तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के शेयर कीजिएगा और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो ज़रूर बताइएगा और इसके साथ ही साथ हम लोग प्रैक्टिस सेट भी कर रहे हैं चैप्टर वाइज तो आप वो जरूर करिएगा उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन तैयारी है ठीक है तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को फर्स्ट हम टॉपिक uh, के पे आते हैं जो कि हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट हम देखिए अकाउंट की बात करते हैं तो इससे पहले भी हमने कई बार डिस्कस किया हुआ है हमारे तीन तरह के अकाउंट होते हैं पर्सनल अकाउंट रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट अब ये पर्सनल रियल और नॉमिनल कौन कौन से अकाउंट होते हैं इनका पहले मीनिंग देख लेते हैं देखिए अगर आप चार्ट फॉर्म में देखना चाहते हैं तो चार्ट फॉर्म में इस तरह से है दो तरह के मेनली अकाउंट होते हैं पर्सनल अकाउंट और एक दूसरा होता है हमारा पर्सनल अकाउंट अब इन पर्सनल को भी दो भागों में बांटा गया है एक है हमारा रियल अकाउंट दूसरा है हमारा नॉमिनल अकाउंट कई बार बुक्स में इस तरह से भी दिया होता है कि तीन तरह के अकाउंट होते हैं पर्सनल रियल एंड नॉमिनल और आप इस तरह से भी क्लासिफाई कर सकते हैं कन्फ्यूज uh, मत होना आप इस तरह से करेंगे ये भी आपके लिए सही है और अगर आप उस तरह से बताते हैं वो भी आपके लिए सही है ठीक है अब हम देख लेते हैं ये कौन कौन से अकाउंट होते हैं सबसे पहले आता है हमारा पर्सनल अकाउंट इन दिस अकाउंट ऑफ नेचुरल पर्सन आर्टिफिशियल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन आर ग्रुप्ड लाइक पर्सन डेटर्स एंड क्रेडिटर्स एग्जाम्पल राम श्याम कंपनी एंड ड्रॉइंग अकाउंट यानी कि पर्सनल अकाउंट के अंदर नेचुरल पर्सन भी आ सकते हैं आर्टिफिशियल पर्सन भी आ जा, आ सकते हैं और वो पर्सन भी आ सकते हैं जो कि उनको रिप्रेजेंट करते हैं जैसे कि डेटर्स और क्रेडिटर्स ये कोई पर्सन नहीं होते ये पर्सन की एक फॉर्म होती है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हाँ ये वो पर्सन है जो हमको कुछ देंगे ये वो पर्सन है जो हमसे कुछ लेंगे यानी क्या है उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये कोई पर्सन नहीं होते और पर्सन यहाँ पर नेचुरल पर्सन की बात की है, तो नेचुरल पर्सन खुद पर्सन हो सकते हैं जैसे कि राम हो गया श्याम हो गया आर्टिफिशियल पर्सन है जो कि जिसको क्रिएट किया गया है, जैसे कि कंपनी हो गई कंपनी कोई पर्सन नहीं होती लेकिन उसको क्रिएट किया जाता है वहां पर उसकी एक सेपरेट एंटिटी होती है ठीक है तो पर्सनल में ये सारी चीजें आती हैं। आई होप ये पर्सनल अकाउंट आपको क्लियर हुआ है अब हम आ जाते हैं रियल अकाउंट पे कि रियल अकाउंट क्या होता है देखिए अकाउंट्स विच रिलेट्स टू असैट्स

तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि अच्छा ये बताइए जो कैश है हमारा किस तरह का अकाउंट है रियल अकाउंट है नॉमिनल अकाउंट है या पर्सनल अकाउंट है तो ये कौन सा है रियल अकाउंट और ये पूछा जाता है कि अच्छा ड्रॉइंग्स बताइए किस तरह का अकाउंट है अच्छा ये बताइए राम राम्स अकाउंट कौन सा अकाउंट है तो इस तरह के क्वेश्चंस भी बहुत पूछे जाते हैं तो अगर आपको ये पता होगा कि ये अकाउंट कौन कौन से हैं इसके अंदर क्या क्या आते हैं तो आप इजिली इनके आंसर कर सकते हैं आई होप आपको रियल अकाउंट भी समझ में आ गया है इसके अंदर सारे और टेंट्स आते हैं इसके अंदर हम बस डेटर्स जो होते हैं उनको एक्सक्लूड करते हैं और कैश इन एंड कैश एट बैंक ये भी इनके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं ठीक है थर्ड आता है जो कि लास्ट है हमारा इसका टाइप वो है हमारा नॉमिनल अकाउंट अब देखिए अकाउंट्स विच रिलेट्स टू एक्सपेंसेस लॉसेस गेंस रेवेन्यू एक्सेट्रा ये सारे हमारे क्या है नॉमिनल अकाउंट अकाउंट्स लाइक सैलरी अकाउंट, इंटरेस्ट पेड अकाउंट रेंट अकाउंट ये सारे हमारे नॉमिनल अकाउंट हैं दीज अकाउंट्स आर आल्सो नोन एज टेम्प्रेरी अकाउंट बिकॉज डिपेंडिंग अपॉन देयर नेचर अब ये टेम्प्रेरी होते हैं देखिए ये नेचर के अकॉर्डिंग इसलिए कहे गए हैं क्योंकि जरूरी नहीं है कि ये ऑल टाइम के लिए uh, क्रिएट की गई हो या फिर ये हमेशा जैसे कि रेंट है अब रेंट एक होता है आपने किसी बिल्डिंग का रेंट दिया तो ये तो टेम्प्रेरी नहीं है आप जब तक रहेंगे तब तक उसका रेंट देना लेकिन एक रेंट होता है आपने बाहर से कुछ सामान मंगाया लेकिन वो वन टाइम था आपका वो ठीक है तो वो क्या था वन टाइम आप, आपने उसका रेंट दिया यानी कि आपने उसका तो तो री था ना ऐसा तो नहीं ना आप द्वारा से उसी को मंगाएंगे तो कुछ अब आपको ये भी पता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नेचर के होते हैं तो ये हमारे कुछ अकाउंट होते हैं उनके अंदर ट्रांसफर किए जाते हैं वो कौन कौन से अकाउंट है वो है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट एंड पी एंडल अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट में कौन से जाते हैं हमारे जो होते हैं हमारे डायरेक्ट नेचर के और पी एंडल अकाउंट में कौन से जाते हैं जो होते हैं हमारे इनडायरेक्ट नेचर के ठीक है और ये कब क्रिएट किए जाते हैं जो एट द द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर क्रिएट किए जाते हैं उसके अंदर हम ट्रांसफर करते हैं आपने देखा होगा ट्रेडिंग अकाउंट में जितने भी हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो जाते हैं और हमारे पी एंडल में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जाते हैं तो वो हमारे क्या कहलाते हैं नॉमिनल अकाउंट्स कहलाते हैं सारे अब देखिए यहाँ पे हम गोल्डन रूल्स की बात कर लेते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ़ अकाउंटिंग ये बहुत इम्पोर्टेंट है इसको आप प्लीज याद रखिएगा हमेशा जब तक आप अपनी स्टडी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ये आपको पता होने चाहिए अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हैं तो गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग अब कई स्टूडेंट को इनको लर्न करने में प्रॉब्लम होती है तो हमने उसके लिए ट्रिक भी बना रखी है तो ऊपर आई बटन होगा मैं वहां पर उस उसमें मैंशन कर दूंगी तो आप वहां जाके देख लीजिएगा नहीं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में वहां पर उसका लिंक दे दूंगी तो आप जाके उसको जरूर देख लीजिएगा अब देखिए अगर हम पर्सनल अकाउंट की बात करें तो पर्सनल अकाउंट के लिए रूल बना है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर यानी कि जो भी रिसीवर होगा जो भी रिसीव होगा वो क्या किया जाएगा डेबिट ये सारी चीजें तब मायने रखती हैं जब हम क्या करते हैं जनरल एंट्रीज करेंगे जब हम जनरल एंट्रीज करेंगे तो वहां ये सारी चीजें क्या होंगी हमें याद रखनी है इसके बिना हम जनरल नहीं कर सकते हैं की बात करें, तो कि जो हमारे पास से गया सिंपल रूल है ये नॉमिनल अकाउंट के लिए है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस यानी कि जो भी एक्सपेंसेस होंगे जैसे कि आपने वेजेस दी ठीक है तो वेजेस क्या होता है डेबिट होता है और क्रेडिट एंड जो भी हमारे पास इनकम आई वो हम क्या करते हैं या हमें कोई किसी भी तरह का प्रॉफिट होता है गेन होता है वो हम क्या करते हैं क्रेडिट करते हैं तो ये गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग है अब देखो इसके चाहिए चार्ट फॉर्म में भी अगर आप इस तरह से नोट करना चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसके थ्रू भी आप इजीली अगर आपको ये चार्ट आपके माइंड में रहेगा तो आप कभी नहीं भूलोगे तो इस तरह से आप अपने नोटबुक में चार्ट बना के रखिए चार्ट से क्या होता है ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि अगर हम कोई भी चीज चार्ट के थ्रू पढ़ते हैं या चार्ट के फॉर्म में उसको हम रिविजन करने की कोशिश करते हैं तो वो लॉन्ग टाइम तक हमारे माइंड में रहती है इसलिए कोशिश करा करिए अगर कोई भी टॉपिक आपको ऐसा लगता है कि आपको ये समझ में नहीं आ रहा है या फिर डिफिकल्ट है तो आप उसको चार्ट फॉर्म में बना के याद करिए बहुत जल्दी याद होगा और बहुत लंबे टाइम तक आपके माइंड में वो रहेगा और अगर आप चाहते हैं कि ये टॉपिक है फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा तो आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में मैं कोशिश करूंगी कि वो आपको चार्ट के फॉर्म में डिस्क्राइब कर पाऊं क्योंकि चार्ट एक ऐसी चीज है जिससे जैसे कि आपने सुना होगा माइंड मैपिंग माइंड मैपिंग क्या होती है जिसके थ्रू हम वो सारी चीजों को एक अच्छे वे में रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं साथ भी साथ ही साथ लर्न भी कर सकते हैं और बहुत इम्प्रेसिव भी लगता है अपने नोटबुक में आप अपने एग्जाम में इस तरह से लिखेंगे तो टीचर को भी वो हाईलाइट होगा और आपको एक्स्ट्रा मार्क्स भी मिलेंगे ठीक है ये तो अलग बात थी पापी से डिस्कशन पे आ जाते हैं हम बहुत आगे निकल जाते हैं बात करते करते देखिए ये अकाउंट्स हैं ये इसके रूल्स हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अब यहाँ पर आ जाते हैं हम जर्नल पर जर्नल क्या है देखिए द बुक इन विच प्रिपेयर की जाती है सबसे पहले जो रिकॉर्ड किए जाते हैं जिस बुक के अंदर उसको हम क्या बोलते हैं जर्नल इसको हम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री के नाम से भी जानते हैं यानी कि सबसे पहले जो कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ उसको आपने तुरंत नोट कर लिया वो हमारी कहलाती है ओरिजिनल एंट्री या फिर जर्नल जर्नल इज वन ऑफ द बेसिक बुक इन विच ट्रांजेक्शन कि जिस ऑर्डर में वो अकर होते हैं उस ऑर्डर में वो नोट कर लिए जाते हैं जैसे कि फॉर एक्साम्पल आज क्या डेट है आज है तीन जनवरी अब तीन जनवरी को कोई भी ट्रांजेक्शन आज ही नोट कर लिया चार को होगा वो मैं चार तारीख को नोट कर लूंगी डेट वाइज इसमें नोट किया जाता है तो जैसे जैसे वो इनकर होते हैं वैसे वैसे उनको क्या कर लिया जाता है रिकॉर्ड कर लिया जाता है तो इससे क्या होता है डेट वाइज इसमें सारे ट्रांजेक्शन होते हैं जैसे कि हम ये क्या हो गया क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अब देखिए जर्नल का फॉर्मेट देख लेते हैं कि किस तरह से बनाते हैं वैसे तो आपने जर्नल बनाए होंगे जर्नल एंट्रीज किए होंगे तो आपको फॉर्मेट पता होगा देखिए इसमें एक क्वेश्चन है जो कि बेसिक क्वेश्चन है बहुत पूछा जाता है कि जर्नल में कितने कॉलम बनाए जाते हैं तो आप याद रखिए जर्नल में पांच कॉलम बनाए जाते हैं ये फर्स्ट कॉलम डेट का होता है ये सेकंड होता है पर्टिकुलर का ये पीआर होता है हमारा थर्ड कॉलम और अमाउंट के दो कॉलम होते हैं जो कि हमारा डेबिट का, का होता है और ये हमारा क्रेडिट का होता है ठीक है तो ये पांच कॉलम होते हैं इसको देखो डेट वाइज है फर्स्ट जनवरी फोर्थ जनवरी टेन एंड थर्टी फर्स्ट यानी कि ये डेट वाइज होते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है ऊपर आपको जर्नल लिखना इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन या पर्टिकुलर लिखना होता है पीआर एंड अमाउंट के आपको दो कॉलम बनाए जाते हैं एक होता है आपका डेबिट का और एक होता है आपका क्रेडिट का ठीक है और नीचे जब आप ये यहाँ पर डिटेल में लिखते हैं इसको क्या बोला जाता है इसको बोला जाता है नरेशन ठीक है जैसे कि कैश अकाउंट डेबिट यहाँ पर देखिए एक गड़बड़ है इनके अंदर अकाउंट नहीं लिखा हुआ है आपको अकाउंट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें अच्छा हुआ ये नहीं था मैं आपको यहाँ पे यह भी समझा देती हूँ जैसे कि यहाँ पे लिखा है कैश अब देखिए कैश के आगे ना अकाउंट लिखा है और ना ही यहाँ पर क्या लिखा है डी आर ये लिखना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कैश अकाउंट डेबिट टू पता नहीं ये किस इस तरह से क्यों दे रखा है यहाँ पे क्रेडिट में टू लिखना भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है ठीक है जैसे कि कैश अकाउंट डी आर मतलब डेबिट टू कैपिटल अकाउंट इस तरह से एंट्रीज होती हैं कैपिटल अकाउंट अकाउंट लिखना इंपॉर्टेंट होता है और बोर्ड में यही सब चीजें देखी जाती हैं। बोर्ड में इनके बहुत मार्क्स कटते हैं स्टूडेंट कहते हैं कि हमने तो पूरी तरह से वही जनरल एंट्री की थी जो इसके होंगे फिर भी हमारे मार्क्स इतने क्यों नहीं आए सिर्फ यही छोटी छोटी चीजें होती हैं, जिनकी वजह से आपके मार्क्स कट होते हैं अकाउंट लिखना कंपलसरी है आगे टू लिखना कंपलसरी है नहीं तो पता कैसे पड़ेगा कि ये क्रेडिट की है ठीक है क्योंकि उनको तो बस नंबर आपके काटने हैं एक छोटी सी आपने गलती की वहीं पर आपके मार्क्स कट जाते हैं ठीक है ठीके? और ब्रैकेट में आपको नरेशन लिखनी होती है जिससे पता पड़े कि ये जो एंट्री की गई है किस चीज की की गई है तो आपको इतना याद रखना है ठीक है आई होप यहाँ पर आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी अब हम आ जाते हैं कैश बुक पर कि कैश बुक क्या होती है कैश बुक कैश बुक इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री ओरिजिनल एंट्री देखिए इसको भी क्यों बोला गया है क्योंकि जैसे ही कोई कैश ट्रांजैक्शन होता है यहाँ पर सबसे पहले उसको नोट कर लिया जाता है इसलिए जो ओरिजिनल एंट्री है सिंस recorded आर रिकॉर्डेड फॉर time टाइम फ्रॉम source ऑफ डॉक्यूमेंट जो भी सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट है सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट का मतलब यहाँ पे एविडेंस की बात की गई है जो भी आप वाउचिंग आपको मिलेगी बिलिंग मिलेगा उसके बेसिस पर अब यहां पर ये बोला गया है कि क्यों होती है देखिए कैश बुक लार्ज इसलिए होती है कल भी हमने इसके करेक्ट की बात की थी अकाउंटिंग के तो वहाँ पे क्या डिस्कस किया था बार बार कि इसमें क्या होते हैं मॉनेटरी आइटम्स इंक्लूड किए जाते हैं उन ट्रांजेक्शन को इंक्लूड किया जाता है जो कि मॉनेटरी टर्म्स में डिफाइन होते हैं अब देखिए जब मॉनेटरी टर्म्स में सारी चीजें होंगी तो ट्रांजेक्शन भी तो काफी होंगे जब हम बिजनेस कर रहे हैं तो ट्रांजेक्शन टू डेली होंगे अब जब ट्रांजेक्शन डेली होंगे तो वहां पर क्या होगा उनकी जो नंबरिंग होगी या फिर उनकी जो हम बोल रहे हैं कि वो ट्रांजेक्शन क्या होंगे लार्ज क्वांटिटी में होंगे तो उनकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो उनको भी हमें करना पड़ेगा। वहाँ पे रिकॉर्ड किस तरह से किया जाता है जो भी हमें कैश रिसीव होगा वो हम डेबिट साइड लिखेंगे और जो भी हमारे पास से कैश पेमेंट किया जाएगा वो हम क्या लिखेंगे क्रेडिट साइड लिखेंगे ठीक है आई होप कैश बुक भी आपको क्लियर है कोई भी आपको डाउट है तो प्लीज 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 आप कभी भी कोई भी कोई क्वेश्चन पूछ पूछ सकते सकते हैं हैं कितनी भी बार पूछ सकते हैं, आप ये मत सोचेगा कि आपने एक या दो बार क्वेश्चन पूछ लिया मैं इरिटेट हो रही हूं ऐसा कुछ भी नहीं है आप मुझसे कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं ठीक है अब देख लीजिए ये एक फॉर्मेट देख लीजिए कैश बुक का ये कैश बुक है इसमें देखिए यहाँ पे डेट पर्टिकुलर्स ये एल एफ का मतलब होता है लेजर फोलियो लेजर फोलियो मतलब अगर आपने लेजर से कोई भी यहाँ पे एंट्री करी है तो आपको यहाँ पे उसका नंबर लिखना होगा जिससे कि चांस मुझे देखना है है कि ये सेल्स अकाउंट की एंट्री है या नहीं तो यहां पे अगर मेंशन किया होगा फोर्थ नंबर या फाइव नंबर जहां भी उसकी एंट्री है तो मैं ठीक उसी पेज पर जाके लेजर से इसको क्या कर सकती हूँ क्रॉस वेरीफाई कर सकती हूँ कि हाँ ये एंट्री जेन्युइन है ठीक है तो यहाँ पर लेजर फोलियो हो गया हमारा फिर आगे अमाउंट ये हमारा अमाउंट है कौन सा अमाउंट है डेटर डी ऊपर आपको डी लिखना पड़ेगा जैसे यहाँ पे सी लिखा है ऐसी डी फिर अगेन डेट डेट पर्टिकुलर्स लिजर्व फोलियो एंड अमाउंट ये हमारा क्रेडिट अमाउंट है ठीक है जैसे कि आप देखो यहाँ लिखा है यह ये बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे टू लगाया गया है यहाँ Y लगाया गया है ये टू और Y लगाना भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है ठीक है तो ये था हमारी कैश बुक की परफॉर्मा अब आते हैं टाइप्स ऑफ कैश बुक पर ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कैश बुक होती है हमारी कितनी तरह की होती है तो देखिए कैश बुक जो होती है हमारे तीन तरह की होती है सिंगल कॉलम कैश बुक डबल कॉलम कैश बुक और थ्री कॉलम कैश बुक अब इनको वन बाय वन देख लेते हैं ये कैसे कैसे होती है देखिए सिंगल कॉलम कैश बुक इसको थ्योरी में ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है मैं बस आपको ऐसे ही फॉर्मेट के थ्रू समझा देती हूँ थ्यूरी तो आप खुद लिख सकते हैं ठीक है थीके? अब आप इतने मैच्योर हो गए हैं और नहीं भी आपको समझ में आती है तो आप पूछ सकते हैं देखिए सिंगल कॉलम कैश बुक जो अभी मैंने आपको स्पेसिमेंट बताया था कैशबुक का वो भी आप सिंगल कॉलम कैश बुक उसको कह सकते हैं यहाँ पे क्या होता है ये डीआर का होता है ये सीआर की होती है एंट्रीज सेम वही फॉर्मेट है डेट लेजर फोलियो अमाउंट डेट लेजर फोलियो अमाउंट ठीक है ये है हमारा ये इसको बोलते हैं सिंगल कॉलम कैश बुक क्योंकि सिर्फ एक ही कॉलम है यहाँ पे वो है हमारा अकाउंट का ठीक है एक कॉलम है अब देखिए आप खुद ही इसको डिफ्रेंशियट कर सकते हैं ये है डबल कॉलम कैश बुक डबल कॉलम कैश बुक में क्या होता है सारी चीजें वही होती हैं डेट डिस्क्रिप्शन वाउचर नंबर पी और डिस्काउंट कैश बस यहाँ पे देखो डिफर क्या है सारी चीजें वही हैं बस एक कॉलम यहाँ पर डिस्काउंट का बना दिया जाता है इसलिए इसको डबल कॉलम कैश बुक कहा जाता है ये हमारा कैश बैलेंस यहाँ पे लिखा जाएगा जो भी हम कैश के साथ डिस्काउंट देंगे या हमको मिलेगा वो सारी चीजें यहाँ पे मेंशन की जाती हैं डिस्काउंट में ठीक है तो दूसरा कॉलम किसका बनेगा डिस्काउंट का डबल कॉलम कैश बुक में इसलिए इसको डबल कॉलम कैश बुक कहा जाता है अब देख लीजिए थ्री कॉलम कैश बुक में क्या डिफरेंस है थ्री कॉलम कैश बुक में देखिए सेम वही चीज है डिस्काउंट है कैश है लेकिन थर्ड कॉलम किसका बना दिया बैंक का ये रहा बैंक का तो देखिए फर्स्ट कॉलम में सिर्फ कैश आएगा सेकंड कॉलम कैश बुक में कैश और डिस्काउंट का बनाएंगे और थर्ड कॉलम में कैश बनेगा डिस्काउंट बनेगा और बैंक का कॉलम बनेगा ठीक है बहुत सिंपल था आई होप यहाँ तक आपको सब क्लियर है

बहुत बार होते हैं दिन में कई बार होते हैं उस तरह के एक्सपेंसेस जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टेशनरी की बात करें अब कभी कंपनी uh, में या हमारे बिजनेस के अंदर पेन परचेज होकर आ रहा है कभी स्केल है या बहुत सारी स्टेशनरी चीजें होती हैं uh, शार्पनर है या फिर कोई बुक है कोई नोटबुक है आप उसको परचेस करके ला रहे हैं तो वो क्या होता है ऐसा होता है अभी आपने परचेस कर ली या फिर थोड़ी देर बाद कर ली तो ये क्या होती है बहुत सारी होती है इस तरह के एक्सपेंसेस तो आप इसको एक एक करके कैश बुक में लिखने लगे तो तो आपको क्या बहुत ही प्रॉब्लम होगी और हो, कई बार क्या होता है उसको आप कैश बुक में क्या होता है कि ये सब चीजें आपको नीट एंड क्लीन प्रिपेयर करनी होती है लेकिन आप बार बार उसको एंट्री करेंगे तो वो क्या होती है खराब हो जाती है और आपके पास इतना टाइम भी नहीं है कि आप ये छोटे छोटे एक्सपेंसेस को डेली डेली यहाँ पर रिकॉर्ड करें तो इन सारी चीजों से बचने के लिए एक अलग से बुक पेपेयर की जाती है जिसको बोला जाता है पिटी कैश बुक पिटी कैश बुक का मेन पर्पस क्या होता है कि बिजनेस के अंदर जो भी स्मॉल पेमेंट्स होंगे लार्ज नंबर पर उनको यहाँ पे नोट कर लिया जाता है इनका अमाउंट जो होता है बहुत कम होता है और पिटी कैश बुक के लिए जो कैशियर होता है उसको हम पिटी कैशियर के नाम से भी जानते हैं उसको क्या होता है जो हमारा कैशियर होता है वो पिटी कैशियर को कुछ अमाउंट दे देता है डेली का कि लो ये आपके पैसे हैं इनको आपको खर्च करना है अब डेली के जो भी खर्चे होंगे वो आप इसी पैसों से निपटाना ठीक है तो उसको एडवांस दे दिया जाता है वो उसी के बेसिस पे खर्चे करता है और अपनी जो पिटी कैश बुक है उसमें वो सारी चीजें नोट कर लेता है और जो भी उन्होंने टाइम आपस में डिसाइड किया है Monthly, weekly, उसकी रिपोर्ट जाके वो अपने कैशियर को दे देता है कैशियर क्या करता है जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं उनको इंक्लूड करके सिर्फ एक हेड में उन सबको मेंशन मैं जैसे कि मैंने कहा कि पेन आया नोटबुक आई डायरी आई और शार्पनर आया इस तरह की सारी चीजें अब वो एक एक करके तो लिखेगा नहीं वो क्या करता है यहाँ पर की जो हमारी स्टेशनरी होती है स्टेशनरी के हेड में वो सारे जो भी खर्चे हुए पीटी कैश बुक का यहाँ पे मेन एडवांटेज भी क्या है पीटी कैश बुक में कभी भी कोई भी क्रेडिट बैलेंस नहीं होता है इसका भी एक लॉजिक है देखिए क्रेडिट बैलेंस इसलिए नहीं होता क्योंकि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कैशियर कैशियर को क्या करता है, पहले से दे देता है नहीं, तो इसका एक भी फायदा होता, और क्या होता है कि आपकी जो कैश बुक होती है मेन कैश बुक वो आपकी नीट एंड क्लीन रहती है क्यूँकी सारे रिकॉर्ड पेटी कैश बुक में किए जा रहे है आई होप यहाँ पर आपको पेटी कैश बुक भी क्लियर है नेक्स्ट आते हैं इम्प्रेस्ड सिस्टम पर अब इम्प्रेस सिस्टम क्या होता है देखिए पिटी कैश बुक को मेंटेन करने के मेथड को हम इम्प्रेस सिस्टम बोलते हैं जिसके अंदर पिटी कैश बुक को मेंटेन किया जाता है पिटी कैशियर इज गिवन अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट द बिगनिंग ऑफ द फिक्स पीरियड सेम यही बात यहाँ पे की गई है कि पिटी कैश बुक को यहाँ पे सर्टेन अमाउंट दे दिया जाता है एक फिक्स पीरियड के लिए कि आपको ये खर्चा करना है फॉर एग्जाम्पल एक हफ्ते का उनको कह दिया कि ये रहे पाँच सौ रुपए एक हफ्ते के लिए आपको ये रखना है और आप जो भी एक्सपेंसेस होंगे आप इन पाँच सौ रुपए से कर सकते हैं तो एक फिक्स पीरियड के लिए एक फिक्स अमाउंट दे दिया जाता है जिसके बेसिस पर पिटे कैशियर जो है सारे खर्चे करता है ठीक है और फिर बाद में एक हफ्ते के बाद उस पूरी रिपोर्ट कैशियर को दे दी जाती है जिसके बेसिस पर वो कैश बुक में उन सारी चीजों को रिकॉर्ड कर लेते हैं नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ इम्प्रेस्ड सिस्टम पिटी कैश बुक अब इसके क्या क्या एडवांटेज हैं हम ये डिस्कस कर लेते हैं फर्स्ट है कंट्रोल ओवर मिस्टेक्स कंट्रोल ओवर मिस्टेक्स की देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे जितने भी मिस्टेक्स होती हैं जो मैंने आपको पहले भी बताया उससे क्या होता है कि अगर कोई भी किसी भी तरह का कैशियर गड़बड़ करता है तो यहाँ पर क्या होता है आ, इजिली पता चल जाता है पिटी कैश बुक में देख के कि ये ये सारे खर्चे हुए थे इसके बेसिस पर इतना हमारे जो स्टेशनरी इतने की आई हमारे खर्चे इतने के थे लेकिन कैशियर कुछ और दिखा रहा है तो पिटी कैश बुक से हम क्या कर सकते हैं उसको कंट्रोल कर सकते हैं कंट्रोल ओवर देर एक्सपेंसेस अब इस पे क्या होता है एक्सपेंसेस पे भी कंट्रोल किया जा सकता है अब यहाँ पर उसको जितने पैसे दिए गए हैं पिटी कैश बुक में कैशियर को वो उतने ही खर्चे करेगा उससे ज्यादा नहीं करेगा तो इससे क्या होगा जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस होने के चांसेस हैं वो वहां पे कम हो जाते हैं थर्ड है कंट्रोल एक्सरसाइज बाय मेन कैशियर अब मेन कैशियर भी यहाँ पर क्या करता है कंट्रोल करके रखता है पटी कैशियर को कि वहां पर क्या होगा कि वो सारी चीजें डे जैसे मैंने आपको बताया वीकली होता है या फिर हर फोर्थ डे वो कर सकता है तो इससे क्या होगा वो डेली चेक करेगा तो इससे जो पिटी कैशियर है उसकी ऊपर वो हमेशा निगरानी रख सकता है कि ये एक्स्ट्रा खर्चे तो नहीं कर रहा है जो भी इसने एक्सपेंस किए हैं वो रियल में आ रहा है या नहीं कंपनी के अंदर वो सारी चीजें इससे क्या होता है कंट्रोल करके रख सकते हैं फिर है कंट्रोल ओवर फ्रॉड अगेन वही चीज है कि वो वहां पर कोई भी ट्रांजेक्शन फॉल्स नहीं दिखा सकता वहां पर उस वो जो भी फ्रॉड होगा उनको कंट्रोल करके रख सकता है ठीक है नेक्स्ट आते हैं ट्रायल बैलेंस पे अब ट्रायल बैलेंस क्या होता है ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस टिकट आउट फ्रॉम द लेजर अकाउंट्स, इंक्लूडिंग कैश बुक अब देखिए ट्रायल बैलेंस जो होता है ये हमारे लेजर के बाद प्रिपेयर किया जाता है कैश बुक भी इसके अंदर इंक्लूड होती है और इसमें डेबिट और क्रेडिट साइड Uh, यहाँ पे कॉलम बनाए जाते हैं जिसके अंदर सारे बैलेंस को इं, इंक्लूड किया जाता है प्रिपरेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस बताया फर्स्ट फेज क्या है जर्नल सेकंड है स्टेटमेंट इज प्रिपेड टू शो द डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस वेरिफिकेशन ऑफ एक्यूरेसी ऑफ पोस्टिंग मे बी डन यानी कि यहाँ पे एक्यूरेसी बनी रहती है उसकी वेरिफिकेशन होता रहता है दिस

तब माना जाता है कि हमारा ट्रायल बैलेंस बिल्कुल सही है जो भी एंट्रीज की गई हैं वो हमारे बिल्कुल करेक्ट है लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक भी हैं जैसे कि आपको पता है आप कोई भी सिस्टम फॉलो करते हैं कुछ भी अडॉप्ट करते हैं सबकी अपनी लिमिटेशन होती हैं तो इसकी भी कुछ लिमिटेशन हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे फर्दर पहले हम डिस्कस कर लेते हैं ट्रायल बैलेंस के ऑब्जेक्टिव्स की कि क्या क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं

अगर हमारे बैलेंसेस नहीं मिलेंगे तो यहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि हमारी किसी बुक में एंट्री करने से रह गई है या फिर हमने कहीं भी गलत एंट्री कर दी है ठीक है थर्ड है हमारा टू हेल्प इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रायल बैलेंस हमारा सबसे बड़ी हेल्प ये करता है कि इससे हम फाइनल अकाउंट प्रिपेयर कर सकते हैं अगर ट्रायल बैलेंस से हमें इजीली होता है सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना और ये हमारी हेल्प करता है फाइनेंशियल अकाउंट को प्रिपेयर करने में

एंटर ही नहीं हुआ है तो वो यहाँ पे हमें पता चले गई ही नहीं कम्प्लीटली ओमिशन ऑफ ट्रांजेक्शन जर्नल अब कोई भी ट्रांजेक्शन है ना वो डेबिट साइड रिकॉर्ड किया गया था ना वो क्रेडिट साइड तो यहाँ पर क्या है सिर्फ हम क्या बात कर रहे थे कि बैलेंस मिलना चाहिए तो बैलेंस तो हमारा मिल जाएगा लेकिन यहाँ पे हमें ये नहीं पता चलेगा कि एक ट्रांजेक्शन हमारा रह गया है जो कि ना डेबिट साइड हुआ ना क्रेडिट साइड रिकॉर्ड हुआ तो ये इसका ड्रॉबैक है ये हमें इससे पता नहीं चलता है सेकेंड लिमिटेशन है A wrong amount has been both debited and credited in the journal. अब uh, कोई भी amount है debit side भी कहीं पर वो ट्वेंटी रुपीज कम लिख गया और कहीं पर वो ट्वेंटी रुपीज ज्यादा लिख गया आठ सौ लिखना था यहाँ पे हमने ज्यादा लिख दिया तो यहाँ पर क्या है यहाँ कम लिख दिया या यहाँ ज्यादा लिख दिया तो इससे क्या होगा कि हमारा बैलेंस तो मिल जाएगा लेकिन कहाँ पे गड़बड़ हुई किसी ट्रांजेक्शन में ऐड ऐड करने थे वहां ना करके कर तो 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 प्रॉब्लम होती है फिर है अ रोंग अमाउंट हैज बीन मैं जर्नल अगर कोई रॉन्ग अमाउंट भी मैंशन कर दिया है फॉर एग्जाम्पल हमें आठ सौ मेंशन करने थे और हमने आठ हजार लिख दिए दोनों साइड तो ये भी क्या है हमारा रॉन्ग है मैच कर जाएगा बैलेंस लेकिन वो रॉन्ग क्या हो गई हमारा अमाउंट पे इंक्लूड हो गया तो ये कुछ गड़बड़े होती हैं जो कि हमें जर, लेजर के थ्रू या हम बात करें, ट्रायल बैलेंस के थ्रू पता नहीं चलती हैं अ सेंटर्ड इन इन जर्नल बट नॉट पोस्टेड एट ऑल लेजर अब कोई भी ऐसा है जो कि जर्नल में तो है लेकिन वो लेजर में रिकॉर्ड नहीं हुआ था और आपको पता है लेजर की हेल्प से ही हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो जब वो लेजर में रिकॉर्ड नहीं हुआ तो ट्रायल बैलेंस में भी रिकॉर्ड नहीं होगा तो हमें पता ही नहीं चलेगा तो गड़बड़ क्या हुई स्टार्टिंग में ही गड़बड़ हुई लेकिन वो गड़बड़ क्या रहेगी आगे तक बनी रहेगी तो ये भी इसका एक ड्रॉबैक है कि हमें ये सब चीजें पता ही नहीं चलती हैं इसलिए मैं आपसे शुरू से ये समझा रही हूँ कि जो भी हम रिकॉर्ड करते हैं जो भी हम अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं वो स्टार्टिंग से ही हमें अच्छे से बना के चलने चाहिए जिससे कि आगे तक कोई प्रॉब्लम ना हो क्योंकि कहीं भी एक गड़बड़ हुई जिससे हमारे पूरे अकाउंट क्या होंगे पूरे रिकॉर्ड्स पूरे अकाउंट्स हमारे खराब हो जाएंगे लास्ट है इन लेज़र लेज़र पोस्टेड अगर लेजर में हमारी कोई भी एंट्री दो बार पोस्ट हो गई है तो यहाँ पे उसका पता नहीं चलेगा अगेन बैलेंस मिल जाएगा क्योंकि मेन चीज हम ट्रायल बैलेंस में क्या देखते हैं बैलेंस मिल गया और एक और चीज होती है बैलेंस नहीं भी मिलता है तो हम क्या करते हैं सस्पेंस अकाउंट के नाम से वहां पे डाल देते हैं आगे अपने क्या करते हैं रिकॉर्ड बनाने भी स्टार्ट कर देते हैं फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करना शुरू कर देते हैं जिससे कि हम सस्पेंस अकाउंट में डाल के बस मैच कर देते हैं और आगे की प्रोसेसिंग स्टार्ट कर देते हैं ठीक है तो ये कुछ ऐसे ड्रॉबैक हैं जिसकी वजह से सही इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिल पाती है अब हम बात करते हैं मैथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करने के क्या क्या मैथड है तो देखिए ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करने के कुल दो मैथड है बैलेंस मैथड एंड टोटल अमाउंट मैथड बैलेंस मेथड की बात करें तो इसके अंदर हमारे जितने भी अकाउंट्स होते हैं उनके बैलेंस को इनकॉर्पोरेट किया जाता है ट्रायल बैलेंस के अंदर ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करने के लिए हम सारे अकाउंट्स को के डेबिट बैलेंस को शो करते हैं लेजर में और उनको डेबिट साइड में शो कर देते हैं और जो क्रेडिट बैलेंस होते हैं उनको क्रेडिट साइड में शो कर देते हैं तो इससे क्या होता है मतलब जो भी बैलेंसेज में क्रेडिट के क्रेडिट साइड में शो कर देते हैं तो ये हमारा कहलाता है बैलेंस मेथड अब टोटल अमाउंट मेथड की बात करें तो इस मेथड के हम जो भी हमारे डेबिट आइटम्स होते हैं क्रेडिट आइटम्स होते हैं जो कि उनको लेजर में प्रिपेयर किए जाते हैं उनको इनकॉर्पोरेट करते हैं हम ट्रायल बैलेंस में यानी कि उसको रिकॉर्ड करते हैं ट्रायल बैलेंस के अंदर ट्रायल बैलेंस के अंदर इसमें जो पोस्टिंग होती है इसमें पोस्टिंग की जाती है जो हमारे लेजर है इसमें सिर्फ बैलेंस इंक्लूड किया जाता है जबकि इसमें क्या होता है पूरी एंट्रीज वहां पे इंक्लूड की जाती हैं तो सिर्फ इतना ही डिफरेंस है सेम लेकिन जो मैंने लिमिटेशन बात कही वो दोनों ही मेथड में बनी रहती हैं ठीक है थीके? अब आते हैं हम ट्रेडिंग अकाउंट पे आफ्टर प्रिपेयरिंग अ ट्रायल बैलेंस एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड

तो आई होप ये आपको फॉर्मेट दिख रहा है ऊपर आपको लिखना होता है ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द मार्च यानी कि जब भी ये अमाउंट हमारा डेबिट होता है ये अमाउंट हमारा क्रेडिट होता है यहाँ लिखते हैं टू ओपनिंग स्टॉक परचेस अः परचेस रिटर्न कैरिज इनवर्ड फ्रेट इनवर्ड जी क्या होता है हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं क्योंकि देखिए वेजेस जो है डायरेक्टली हमारे प्रोडक्शन से कंसर्न है कैरेज इनवर्ड हमारे डायरेक्ट प्रोडक्शन से रिलेटेड है फ्रेट इनवर्ड हमारे प्रोडक्शन से रिलेटेड है सेल्स प्रोडक्शन से रिलेटेड है सेल्स रिटर्न क्लोजिंग स्टॉक यानी कि आप बस इतना याद रखिए ट्रेडिंग अकाउंट में वो सारी आइटम्स आते हैं जो हमारे डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड होते हैं और प्रोडक्शन के बाद के सारे एक्सपेंसेस हमारे इनडायरेक्ट होते हैं जो कि हमारे पेंडल अकाउंट में जाते हैं ठीक है अब आते हैं पी एंड एल अकाउंट पे फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक कीजिए फ्रेंड्स शेयर कीजिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट एंड अकाउंट इज द सेकंड पार्ट ऑफ ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट ठीक है कई पर्सन uh, फॉर्म्स क्या करते हैं ट्रेडिंग और पी एंड एल अकाउंट अलग अलग प्रिपेयर करते हैं कई जगह एक ही प्रिपेयर कर दिए जाते हैं तो वहां पर इसलिए यहाँ पर इसको क्या बोला गया सेकंड पार्ट बोला गया है ठीक है एंड प्रिपेयर आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट अब ये ट्रेडिंग अकाउंट के प्रिपरेशन के बाद ही प्रिपेयर किया जाता है क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट क्या करता है हमें ग्रॉस प्रॉफिट दिखाता है अब वो ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे ट्रांसफर होगा पेंडल अकाउंट में उसके बाद हमें

आई थिंक यहाँ पर पी एंडल का फॉर्मेट नहीं है देखिए पी एंडल का फॉर्मेट सेम इसी तरह होता है मैं आपको यहीं पे बता देती हूँ अब ये यह हमने यहाँ पे क्या हुआ ग्रॉस प्रॉफिट आ गया अब यहाँ पर इसी के नीचे लाइन को बड़ा करके मतलब इसी में ही अलग से नहीं यहाँ पे टू ग्रॉस प्रॉफिट है तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ठीक है और ये जो जो भी अमाउंट होगा वो यहाँ पे मेंशन कर देंगे और फिर यहाँ पर लिखेंगे टू सैलरी क्योंकि सैलरी क्या है प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है इनडायरेक्टली रिलेटेड है तो यहाँ पे टू सैलरी आ जाएगा टू वेजेस आउटवर्ड आ जाएगा आउटवर्ड मतलब उसको बाद में आप माल कहीं भी भेजेंगे तो वो आपका आउटवर्ड में होता है तो वो यानी कि सारे इनडायरेक्ट इंडायरेक्ट इध, इधर सारे इनडायरेक्ट इनकम्स इधर आएंगे तो ये हमारा ट्रेडिंग होता है ये पी एंडल होता है यहाँ पे पी एंडल नहीं लिखा जाता पी एंडल यही लिख दिया जाता है ट्रेडिंग एंड पी एंडल करके ट्रेडिंग एंड पी एंडल अकाउंट ठीक है तो ये फॉर्मेट था। अब आ जाते हैं बैलेंस शीट पर बैलेंस शीट इज वन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ एंटरप्राइजेस एट अ गिवन डेट। यानी कि एक पर्टिकुलर डेट पर

ट्रेडिंग और पेंडल बनाते समय क्लोज नहीं किया गया था उन अकाउंट्स को यहाँ पर शो किया जाता है ट्रायल बैलेंस के बनाने में जो ओपन किए गए थे उनको यहाँ पर शो किया जाता है उनके बैलेंसेस को शो किया जाता है इसको इसलिए बैलेंस शीट कहा जाता है क्योंकि ये उन सब अकाउंट्स की बैलेंसेस को शो करती है अब एक यहाँ पे ऑथर की हम डेफिनेशन देख लेते हैं जिसके बेसिस पर हम और अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि बैलेंस शीट क्या होती है अब एक सर्टेन फिक्स पर एक साल के अंदर अब यहाँ पे जो टाइम पीरियड होता है वो एक साल होता है तो एक साल में हमें एग्जैक्ट पोजिशन बता देती है हमारी कंपनी की कि हमारी कंपनी की क्या पोजिशन है वो कितना ग्रोथ कर रही है कितना आगे जाके और ग्रोथ करेगी कितना हमें प्रॉफिट दे रही है कितना उसका मार्केट वैल्यू हो रहा है ये सारी चीजें हमारी बैलेंस शीट हमें बताती है ठीक है अब देखिए ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है ये लाइबिलिटीज हैं हमारी ये असेट्स हैं याद रखिए है, अब तक के हमने जितने अकाउंट बनाए थे उसमें हम क्या यूज करते थे टू और बाय यूज करते थे लेकिन बैलेंस शीट एक ऐसा अकाउंट है सॉरी एक ऐसी स्टेटमेंट है बैलेंस शीट अकाउंट नहीं है स्टेटमेंट है बैलेंस शीट एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसके अंदर टू और बाय को इंक्लूड नहीं किया जाता इसमें डायरेक्ट वो एंट्रीज कर दी जाती हैं जैसे गुडविल पेटेंट्स कॉपी मार्क्स बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर इन्वेस्टमेंट स्टॉक यहाँ आ जाते हैं हमारे कैपिटल रिजर्व लोन एंड मॉर्गेज बैंक uh, तो यहाँ पेटीज के बैलेंसेस को इंक्लूड कर दिया जाता है और जो हमारा नेक्स्ट ईयर आएगा बाद में उसको क्या कर देंगे वहाँ पे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे ठीक है तो ये थे हमारे बैलेंस शीट इसके आगे देख लेते हैं तो यही हमारा लास्ट टॉपिक था जो कि बैलेंस शीट पर आके खत्म हुआ जिसकी आज की वीडियो में हमने देखी बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े जर्नल पढ़ा लेज़र पढ़ा है एल ट्रेडिंग एंड बैलेंस शीट है साथ ही साथ पेटी कैश बुक इम्प्रेस सिस्टम बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े आई होप यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर हैं। अगर क्लियर हैं तो प्लीज जरूर बताइए हम इसके आगे जो भी टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे वीडियो कैसी लगी जरूर बताएगा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा आज के लिए इतना ही आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो जरूर बताएगा तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे और भी अच्छी वीडियोज़ के साथ अब तक लिए टेक केयर बाय बाय